बसमिल रहीम असल फ्रेंड्स वेलकम टू माई ट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम लोग ये वाला अमेजिंग पैटर्न बनाएंगे कि हम लोग किस बना सकते हैं हम लोग डिफरेंट सी आउट यूज़ करके भी बना सकते हैं लेकिन हम फारलूफ से बनाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो इसको बनाने के लिए हम लोग अपना नेट बिन आई डी को ओपन करते हैं लास्ट हम लोग ने ये वाला पैटर्न बनाया था आज हम लोग जो है पैटर्न बनाएंगे इक्वल इक्वर स्टैर हो स्टैरिक होंगे हर तरफ हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर मैं लिखूँगा फारलूफ इंट ए इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर कर दूंगा वन उसके बाद ए लेस दैन एंड इक्वल टू कर दूंगा मैं यहाँ पर फाइव मुझे फाइव तक स्टैरिक चाहिए उसके बाद ए का इंक्रीमेंट मेरे पास पहली लूप लग चुकी है आउटर लूप जिसे कहते हैं और मैं सेकंड लूप लगा रहा हूँ जिसको इनर लूप कहते हैं और उसको मैं बी का नेम दे दूंगा और बी इज़ इक्ल टू अब मैं इसको जो है बी इज़ इक्ल टू वन दूंगा क्योंकि मुझे जो है फोर बाई फाइव बाई फाइव के ही चाहिए तो मैं बी इज़ इक्वल लेस दैन एंड इक्वल टू फाइव ही रहने दूंगा उसके बाद जो है मैं लिख दूंगा यहाँ पर बी का इंक्रीमेंट फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं दूंगा थोड़ी सी स्पेस और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दूंगा अब ये क्या होगा कि मेरे पास जो है एक कंप्लीट जो है पैटर्न आ गया अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब फर्स्ट फाइव लूप है ना जो पहला लूप चलेगा वो क्या करेगा एक लाइन जनरेट कर देगा सेकेंड वाला लूप जो है सेकेंड लाइन अपनी कंप्लीट जनरेट करेगा इसको ब्रेक करते हैं पहली लूप के अंदर जाके हम लोग यहाँ पर अगर मैं पेरेंट्स नहीं यू उसकी मैंने इसके अंदर अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया अब पहली बारी लूप को मैं लाइन ब्रेक कर दूंगा जिस तरह हम लोग हर बार की तरह करते आए हैं इसको मैंने लाइन ब्रेक किया तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसने जो है फाइव फाइव के पेयर के लाइन तोड़ दिए एक ही लाइन में इसने जो जो है, है जनरेट कर दिया फाइव फाइव पेयर दें अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला लाइन इस तरफ आ जाए तो इसके लिए क्या करूंगा जो इनर लूप वाला एल एन है उसको एल को ख़त्म कर दूंगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो आइए पैटर्न जो है वो अमेजिंग पैटर्न जो है वो आ जाएगा तो आप लोग इस तरह से पैटर्न को बना सकते हैं याद रखना है पैटर्न को कभी भी आप रट्टा लगे नहीं लगा सकते रट्टा कभी भी नहीं लगा सकते इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा समझना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको बताया तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा तो मिलेंगे नए नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्याल रखें जो हमें याद रखें अल्लाह हाफिज़